अब धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेहद गंभीर टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण की प्रवृत्ति इसी तरह जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा धर्मांतरण करने वाली धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। अब ऐसे आयोजन संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक मामले में दायर हुई जमानत याचिका खारिज करते हुए की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं धर्मांतरण से जुड़ी हुई, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर की गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर धार्मिक सभाओं में इसी तरीके से धर्मांतरण होता रहा तो एक दिन हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि धर्मांतरण करने वाली जो धार्मिक सभाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए, उनको कैसे रोका जाए, उन पर कैसे तत्काल रोक लगाई जाए, इस पर सोचा जाना चाहिए। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस गंभीर टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सनातन पांडे जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में टिप्पणी की है कि धर्मांतरण जिस तरीके से चल रहा है ऐसा लगता है कभी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बन जाएंगे, उस को चिंता जताई। धर्मांतरण जो सवाल है वो किसी एक जात एक वर्ग धर्म का नहीं, और धर्मांतरण से जो है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्मांतरण तो हर जात का हो रहा है। हमारी अगर हिंदू बेटी है तो किसी मुसलमान से शादी कर रही है, मुसलमान बेटी है तो हिंदू से कर ले रही है, तो ये तो आपस में जो है ऐसा नहीं हुआ कि समूह का समूह उसमें जा रहा है ना। तो अगर पूरा समूह जाता तब न कहते कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाएगा। तो ये थे सनातन पांडे सपा के सांसद और अपनी राय रखते हुए। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।